अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को चौथा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज हम बनाएंगे खट्टे तीखे आलू। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। 7 से 8 मीडियम साइज़ के आलू मैंने यहाँ पर लिए हैं, उसे बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है, यानी कि एक आलू के सिर्फ मैंने 4 पीसेस बनाए हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे। एक नॉनस्टिक बर्तन में हम 3 से 4 टेबलस्पून भर के ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम उसमें 1 टीस्पून राई ऐड करेंगे। कुछ कड़ी पत्ते जाएंगे इसमें, 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। मसाले जले नहीं इसलिए हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। एक चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और सारे मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। हमने जो आलू उबाले थे वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। सारे मसालों को हम आलू के साथ अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे। चम्मच की मदद से अच्छी तरीके से हिलाने के बाद अब हम इसे टॉस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे आलू जो है वो टूटेंगे नहीं और सारे मसाले आलू के साथ अच्छी तरीके से कोट हो जाएंगे। एक चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। जैसे कि ये खट्टे आलू है तो हम इसमें इमली और कोकम का पल्प ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर इमली और कोकम को 1 घंटा पहले ही भिगो दिया था। अब हम इसे मिक्सी की जार में पीस लेंगे, यानी कि इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। सो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे इमली और कोकम का पेस्ट बिल्कुल रेडी है। आप अगर चाहे तो इमली और कोकम के पेस्ट में थोड़ा सा पानी डालकर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी इसे ऐड कर सकते हैं। आप जितना खट्टा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से इस पेस्ट को ऐड कीजिएगा। मैंने 3 से 4 चम्मच ऐड किया है। अब इसमें जाएगा 1 चुटकी रेड फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इसे फिर से। हरा धनिया ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा दे देंगे इसके ऊपर। और इसे लिड लगाकर कम से कम हम 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, हमारे आलू जो है वो बिल्कुल रेडी है। सो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे खट्टे तीखे आलू, जो कि रमज़ान की इफ्तार के लिए एक बहुत ही बेस्ट और इजी रेसिपी है, जो कि बहुत ही झटपट से बन जाती है। अगर आपको इफ्तारी के लिए कुछ झटपट से बनाना है तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर ये आसान सी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आप लोग भी आज की इफ्तारी में शामिल हो जाइए मेरे साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।